ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं और कुछ जो खुले भी हैं तो वहां पर लंबी कतारें हैं। कुछ ऐसा हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी। ऐसे ही एक पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। लखनऊ में भी हड़ताल का असर बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। हमारे ठीक पीछे पेट्रोल पंप यहाँ पर लोगों की कतारें लगी हुई है। सुबह 5 बजे से जबकि इतनी ज्यादा ठंड थी उसके बावजूद लोगों ने ये परवाह नहीं करी कि ठंड कितनी ज्यादा है, उसके बावजूद स्ट्राइक की वजह से जो सुबह से ही लगे हुए हैं। हर आदमी इस उम्मीद में है कि जल्दी से उसका नंबर आएगा और वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाएगा, लेकिन पेट्रोल मिलने की कोई उम्मीद इन लोगों को साफ नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि ये पूरे लखनऊ का भ्रमण करके यहाँ पर आए। सिर्फ 20% लखनऊ के जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं और इसी आशा में ये आज यहाँ पर आप पहुंच रहे हैं। आइए मैं खड़ी हुई है, मुझसे बात करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैम सर एक्चुअली कल भी हम लाइन में लगे हुए थे, कल भी 2-3 दिन के लिए पेट्रोल नहीं मिला और आज भी वही हालत है। देर हो रही है, काम पे भी जाना है और इतने देर से लाइन में लगे, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी भी 15-20 मिनट तो लगेगा ही पेट्रोल मिलने में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। कुल मिलाकर हर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद लोगों की ये तक आ गई है, लोग ये तक सोचने लगे हैं कि रिक्शे का सहारा लेना पड़ेगा, साइकिलों का सहारा लेना पड़ेगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं आपको ये लाइन जो सुबह 5 बजे से लगी हुई है, जो हर समय अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर जल्द आएगा और वो अपनी गाड़ी में अकेले लेकर अपने काम पर जाएंगे, अपने घरों पर जाएंगे। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई नौकरी पेशा है जो नौकरी पे जाना चाहता है, कुछ मार्केटिंग के बंदे हैं जो पूरा दिन भ्रमण करा करते हैं इन सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को एक लाइन पर विवश होना पड़ गया है महज इस हड़ताल की वजह से। आसमान लग गया है लेकिन उसके बावजूद ये हड़ताल का असर बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। अगर यही हालात रहे तो लोगों को साइकिल और रिक्शे का भी सहारा लेना पड़ सकता है। लखनऊ से दिनेश यादव के साथ अभिषेक मिश्रा, वॉइस ऑफ इंडिया।